शामली में नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर ड्रग्स विभाग ने थाना भवन के अली मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं दिखते हुए मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। ड्रग विभाग की छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी को थाना भवन क्षेत्र में नशीली दवाओं की बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने ड्रग विभाग को जाँच करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। कस्बा थाना भवन की पुरानी घास मंडी में स्थित अली मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स विभाग के इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने छापेमारी करते हुए मेडिकल स्टोर पर भारी अनियमितताओं को देखते हुए मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से बंद कराते हुए थाना भवन थाने पर इसकी सूचना हेतु प्रतिलिपि जमा कर दी गई। थाना भवन से कई बार शिकायतें आ रही हैं और पत्रकारों के माध्यम से शिकायतें मिली हैं, कई न्यूज़पेपर में भी शिकायतें छपी हैं कि अभी यहाँ कुछ नशे का कारोबार कुछ दवा दुकानदार कर रहे हैं, और उसी का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया गया कि थाना भवन में कुछ लोग इस तरह का व्यापार कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश अनुसार मैं आज यहाँ थाना भवन में निरीक्षण के लिए आया हूँ और ये अली मेडिकल स्टोर है, इसका निरीक्षण कर रहा हूँ। दुकानें और भी खुली हैं और जो बंद हो जाएगा उसको नोटिस देंगे, उसको दुकान खुलवाएंगे, उसका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे, कैंसिल करेंगे। सर अब यहाँ पे क्या खामियां हुई हैं? यहाँ पे दुकान की खुली है और इनकी जांच कर रहा हूँ। मौके पे रजिस्टर फार्मेसिस्ट सदानंद राम वो उपस्थित नहीं है और दुकान की जो स्वामिनी है तरन्नुम जहान वो भी यहाँ उपस्थित नहीं है। उन दोनों की अनुपस्थिति में ये खड़े हैं सामने आपके सरदार अली, ये दवाएँ बेच रहे हैं, लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, जबकि ना तो इनके पास डिग्री है ना कोई डिप्लोमा है, ये डॉक्टरी कर रहे हैं पूरी तरह।